in my class. We are studying in chapter first, knowing your numbers. देखो अपन इस क्लास के अंदर ये जो प्रैक्टिस है 1.2 कर रहे हैं ना, इसके अंदर प्रैक्टिस जो थी 1.2 उसको अपन कर रहे थे, उसमें भी अपन इसके लगभग 11 क्वेश्चंस तो अपन कंप्लीट कर चुके है ना। आज क्वेश्चन नंबर 12 अपन को यहाँ पे रीड करना, उसको सॉल्व करेंगे ठीक है। अभी सॉल्व को देखो आप आराम से। द रेट ऑफ लिस्ट हल्कू राम हलवाई इज मिष्ठान भंडार इज गिविंग बिलो, एक लिस्ट दे रखी है अपने को है ना, वो ध्यान रखनी है और उससे अपन उस सवाल को सोल्व करेंगे। देखो मैं लिस्ट यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से रखना। यहां पे लिखा हो बर्फी, बर्फी मावा, बर्फी मावा के लिए अपने को क्या बोल रखा है, इसकी रेट दे रखी है अपने को 380 रुपीज पर केजी, ये अपने पास पर केजी की रेट दी है मुझे। एक तो बर्फी मावा हो गई, फिर इसके बाद में है बर्फी केसर, बर्फी केसर की रेट दे रखी है 400 पर केजी। चलो फिर इसके बाद में मुझे दे रखी है रबरी, रबरी के लिए रेट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है मुझे 250 पर केजी। ओके नेक्स्ट देख रही है खुरमानी, दे रखा है खुरमी, दीपावली आ रही है ना इसलिए इन्होंने मिठाई की दुकान अपने को रेट बता रहे हैं हर चीज की, क्या ऐसे ऐसी रेट चल रही है मार्केट ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में है मोहनथाल, ये कुछ स्पेशल नाम होगा उनके लिए, इसकी रेट भी क्या दे रही है 250 पर केजी। अपने को इनसे ज्यादा मतलब इन रेट से मतलब है ठीक है। रसगुल्ला, रसगुल्ला ठीक है, रसगुल्ले की रेट क्या दे रखी है 18 रुपीज पर पीस। उसके बाद में है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन की रेट क्या दे रखी है भाई 22 रुपीज पर पीस। देखो एक चीज समझो, ये जो पर पीस है ना, ये एक क्वांटिटी पीस की को रेट दे रखी है, ये रेट थी वो केजी की रेट थी। अब अपन इसके सवाल सोल्व करते हैं, मैं आपको यहां पे ये लिस्ट बनाने से मतलब नहीं था। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका सोल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, ऑन ए संडे मॉर्निंग ही सोल्ड 30 kg ऑफ बर्फी मावा। इसने क्या किया संडे मॉर्निंग को 30 kg तो क्या किया बर्फी मावा सोल्व कर दी, सोल्ड की थी बर्फी मावा ठीक है। रेट कितनी है भाई इसकी 13 kg सोल्ड की, एक की रेट कितनी है ये थी, चलो अमाउंट आ जाएगा। फिर ये कह रहा है 8 kg बर्फी केसर, 8 kg इसने बर्फी केसर की रेट क्या है इसकी 400। फिर ये कह रहा है 144 पीसेज ऑफ रसगुल्ला, लगभग 144 पीस रसगुल्ला, एक रसगुल्ले की पीस के राइट प्राइस क्या थी 18 रुपीज ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, एंड 153 पीसेज ऑफ गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले थे भाई और ये गुलाब जामुन है और ये है बर्फी केसर। गुलाब जामुन के लगभग कितने पीस कर रहा है वो, लगभग भाई 153 पीस वो कर रहा है उसके, और एक गुलाब जामुन की प्राइस अपन को पता ही थी, मैंने वो राइट कर दी है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट इन सेलिंग दीज आइटम्स इन मॉर्निंग, ये काम था मॉर्निंग का, सुबह उठते ही उसने क्या किया कि बर्फी मावा की लगभग 13 kg बर्फी मावा सेल कर दी, 8 kg बर्फी केसर सेल कर दी, 144 पीस रसगुल्ले कर दिए और 153 पीस या 153 पीस उसने गुलाब जामुन के सोल्ड कर दी। अब आपको बताना है कि कितने अमाउंट की या कितनी चीजें उसने प्राइस ने सेल की। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अमाउंट बताना है तो अपन क्या करेंगे पहले एक एक अमाउंट निकालेंगे, पहले इसका अमाउंट निकाल लो, इसका मतलब 380 मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 से इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या है भाई 0, इससे करेंगे तो क्या है ये लो 083 0494, लगभग ये अमाउंट की तो उसने क्या कर दी बर्फी मावा। ओके नेक्स्ट देखो इस अमाउंट का उसने कर दिया केसर, बर्फी केसर, ये अमाउंट है इसका ये 144 18,
ये आ गया उसकी रसगुल्ले का अमाउंट, और अब बचा अपने पास गुलाब जामुन, ये लो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। ये लो उन्होंने कर दिया लगभग गुलाब जामुन। अब क्या हुआ, देखो सवाल को समझते हैं। अगला ये क्या है, थोड़ी केवल इसकी लैंग्वेज देन थी और सवाल बड़े नहीं है कुछ भी। तो इन्होंने क्या किया, लगभग ये इतनी केजी इसने की और एक केजी की प्राइस मुझे पता थी, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास अमाउंट आ गया। इसको किया तो इसका अमाउंट आ गया, इसको किया तो इसका अमाउंट आ गया। अब मुझे मॉर्निंग का टोटल अमाउंट चाहिए, तो मैं टोटल को ऐड कर दूंगा। करते हैं 62800 8, ऐसा कैसा कर दूं, 6 और 9 15 15 और 0 15 15 और 4 19 19 का 9 राइट कर दो, 1 इस पे कैरी कर लो। 3 और 5 8 8 और 2 10 10 और 9 19 19 और 1 20 20 का 0 2 यहां कैरी कर दो। फिर देखो 3 और 2 5 5 और 3 8 8 और 4 12 12 और 2 14, तो लगभग 14,098 रुपीज वो मॉर्निंग के अंदर सेल कर लेते हैं। 14,098 रुपीज वो क्या करता है, मॉर्निंग के अंदर कर लेता है। चलो ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनके अलग अलग लिखते जा रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाले का आंसर कितना है मेरे पास, 14,098, ये इतना अमाउंट उसने मॉर्निंग में किया, ये तो मॉर्निंग आ गया। चलो हटा रहा हूं उसको मैं अभी, है ना। नेक्स्ट सोल्व करते हैं अपन, ये फर्स्ट वाले का मैंने यहां पे आंसर लिख दिया अलग से। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है, इन द इवनिंग ऑन द सेम डे सी ही सॉल्ड 56 केजी ऑफ मोहनथाल, 48 केजी ऑफ कुर्मी और 28 केजी ऑफ बर्फी केसर, हाउ मच अमाउंट डिड ही गेट द इवनिंग। देखो इसने यही अमाउंट किया है इवनिंग में किया, तो इवनिंग में क्या हो गया भाई, इवनिंग के अंदर इसने 56 केजी तो क्या कर दी, जो मोहन थाल थी ना 56 केजी, और मोहन थाल की रेट क्या दे रखी है अपने पास 250। अब इसका टोटल करके देखो, 250 करेंगे तो कितना आएगा, 250 इसको सॉल्व करेंगे तो 150 लगभग 1501 हो गए, और इसको करेंगे तो 2525 गया तो 125 ठीक है, 12,500 लगभग 14,000 अमाउंट कितना आ रहा है लगभग अपने पास, इसका आ जाएगा 14,000 अमाउंट आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना ना, आ जाएगा है ना। देखो कैसे किया मैं आपको समझा दूं, मैंने थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया, मैंने इसको क्या किया 50+6 है ना मल्टीप्लाई 250। अब अगर अपन इससे 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आता है, एक और दो जीरो थे मैंने दो जीरो यहां लगा दिए, 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता है क्या आएगा 1500, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 14,000। मतलब ये आप मल्टीप्लाई करने का, ऐसे आप चाहो तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करके जल्दी कर सकते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसने क्या किया इवनिंग के अंदर 48,000 लगभग इसने लगभग क्या किया 48,000 लगभग 8 लाया ये खुरमी, और इसकी रेट कितनी है 48,000 है मल्टीप्लाई 350 है ना, इसका अमाउंट ये क्या है खुरमी थी 48 केजी थी, और एक की रेट कितनी दे रखी है 350 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करने के बहुत से तरीके होते हैं, आप फास्ट मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब जैसे ये नंबर है, इस नंबर को अगर मैं 50 मान लूं तो जल्दी इजी नहीं हो सकता क्या, आप इसको चेज को चेक करके देखो, इस सवाल को देखना ध्यान से, वैसे आप कर लेना नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो इसको मैंने 50 मान लिया 350, अब मैं क्या करूंगा 50 में से 350 यानी 2 से ऊपर आ रहा है, मैं 700 इसमें से माइनस कर दूंगा। अब देखो 5 को 35 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास 1075, ये मेरे पास ये आया। अब आगे जीरो कितने आ रही है, दो जीरो मैंने लगा दी। अब इस अमाउंट में से ये 50 का था 48 का निकालना है, तो मतलब क्या हुआ 350 यानी माइनस के लगभग अगर मैं इसमें से 700 माइनस कर दूं, ध्यान से देखना एक बार, 3 और 5 और 3 8 ये लो, तो आंसर क्या आ रहा है, तो आप इसका करके देखना, ये आंसर आएगा इसका चेक कर सोल्व करना आप, है ना। लगभग अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 48 इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आंसर क्या आएगा इसका 16,800। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, इसके बाद में एक और दे रखा 28 लगभग 400 यानी 28 क्या है बर्फी केसर,
28 केजी उन्होंने बर्फी कैसे सेल कर दी। चलो कर दो इसको 28, 56 और 56 कितना होता है 112 ये हो गए और 20 ये लगा दिए, यानी 11,200 रुपए इसके बर्फी केसर के हो गए, 11,200 बर्फी केसर के हो गए। अब इसको सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। इन तीनों अमाउंट को ऐड कर लो, पहले तो सबसे पहले ऐड करो 0, 0, 8 और 2 ये 0, 1 10, 11, 11 और 1, 12, 1 यहां लिख दो 1, 1, 1, 3, 3 और 4 तो अपने पास जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया 42,000। ये है इवनिंग का, देखो ध्यान से, मॉर्निंग का पहले आ गया, अब ये किसका आ गया इवनिंग का। इवनिंग की उसकी सेलिंग क्या थी, थोड़ी ज्यादा थी, इवनिंग को उसको लगभग 42,000 उसके पास ये हो गए। अब है लास्ट में सवाल है नून, हटा रहा हूं इसको भी मैं, थर्ड है इसके अंदर नून, मतलब नाइट में उसने कितनी सेल की, तो नाइट में भी देखो इसने ऐसे किया है 40 के जो फरवरी कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ दिस, बस इसने क्या किया नून में तो केवल क्या किया है 40,000 वो किया और टोटल अमाउंट निकालना है, बस इसने क्या किया केवल 40 केजी रबरी सेल की, रबरी की रेट क्या है 250, ये लो तो 250 इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, ये 100 आ गया, 20 लगा दो, लगभग 10,000 की उसने रबरी सेल की नून नाइट में, तो बस ये था उसका नाइट में। तो अब आपको क्या करना है, टोटल बताना है कि मॉर्निंग इवनिंग और नून में उसने टोटल कितना अमाउंट, यानी पर डे उसने पूरे दिन में कितना अमाउंट एड किया। तो मॉर्निंग में उसने किया 4,098, इसने किया 4,200 और यहाँ पे किया 10,000। देखो ये तो आ गया अपने पास नून, ये आ गया इवनिंग और ये आ गया मॉर्निंग, देखो ध्यान से, अब इनको टोटल कर दो, बस आंसर आ जाएगा 8, 9, 0, 6 and 6 66,098 रुपीज ये उसके पास टोटल अमाउंट था उसका वन डे का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक क्वेश्चन और बच गया इसका, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, हटा दूं चलो।